तो क्या तुम भी कैरी मिनाटी से परेशान हो? क्या तुमको भी कैरी मिनाटी की वीडियो लेट आने से परेशानी है? तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कैरी मिनाटी का अल्टरनेटिव यूट्यूबर, जो कि मैं हूँ। अब मुझे पता है कि तुम मेरी ये बात सुन के कहोगे कि अबे गरीबों के कार्तिक आर्यन, तू कैरी मिनाटी के पैरों के धूल क्या? उसके झाट मुझे पता है भाई, मैं नहीं हूँ। बट आज की इस वीडियो में हम कैरी की नई वीडियो को लेकर कैरी मिनाटी से ही अच्छा रोस्ट करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। ये एक तरह से मेरे लिए चैलेंज होगा और तुम जनता लोग इस वीडियो को रेट करना ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं। तो गाइस, ये है एमसी स्टैन। जी हाँ, माधर। अब जैसा कि तुमको पता है कि भाई विनर रह चुके हैं बिग बॉस का, बट पता नहीं लोग अभी भी ये क्यों कहते हैं कि भाई बिग बॉस की ट्रॉफी क्या, रैप करना भी डिजर्व नहीं करते। भाई के रैप में माँ बहन, दादा दादी, नाना नानियों की अनमोल कहानियां होती है, जिसको सुन के सभी की माँ बहन, दादा दादी, नाना नानी खुश हो जाते हैं। एमसी स्टैन दुनिया का वो पहला रैपर है जो खुद के वजन से ज्यादा गहने पहनता है। तेरा सर से पांव तक के भाव क्या है? इट्स लाइक 60-70 लाख। भाई साहब दाद देनी पड़ेगी इसको। मालिक दाद नहीं दाग। क्या मालिक? वो दाद नहीं दाग होता है। अच्छा, अबे चाहे दाद दो या दाग दो, पर इतना बोझ उठाने में एक आम इंसान की गांड पड़ जाती है। पर इसको पोषित उद्बिलाओ को तो मानना पड़ेगा। अब इसके फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में कहेंगे शेमड़ी शेमड़ी शेमड़ा शेमड़ी शेमड़ा। अबे चौथे शेमड़ी के 36वें बकड़े, कोई शेमड़ी को लेकर तेरे घर आया था या तू शेमड़ी के घर गया था? मतलब गाइस, इस दुनिया में इकलौता बंदा है जिसने एक शब्द का आविष्कार किया है, और शेमड़ी का मतलब आज एक छपड़ी से कम बिल्कुल नहीं है। और साला शेमड़ी वर्ड और छपड़ी वर्ड में तो घमासान युद्ध चल रहा है कि छपड़ी बड़ा है कि शेमड़ी। अरे वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। शाबाश, बकरी चला गेंडे की गांड मारने। अबे मोमबत्तियों के अजय देवगन, तुझे वो सिंगम की तरह गिरा गिरा के मारेगा और फिर तू अपने फैन से कहेगा मारू। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। भाई साहब, इसलिए ही कहा जाता है कि गांड में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। मतलब इसकी जगह पे मैं होता ना तो उस बंदे से बोलने में 10 बार सोचता। वो तो ठीक है कि उस टाइम ये लोग बिग बॉस में थे, कहीं अगर ये लोग बाहर होते ना तो ये बंदा एमसी स्टैन को मार मार के एमसी अलग और स्टैन अलग कर देता। And the winner of Big Boss season 16 goes to MC Stan. हाँ भाई, रिएक्शन तो ऐसे दे रहा है कि जैसे सलमान भाई इसके लिए ट्रॉफी नहीं बल्कि रशियन लेके आए हैं। अबे मछलियों का जादूगर, इतना बेकार एक्टिंग तो केआरके भी नहीं करता जितना तू कर रहा है। तेरे से अच्छा एक्टिंग तो मेरी उंगली कर दे। क्या नहीं विश्वास? ये देखो फिर अगर इंसान सुट्टा मारने से ठंडे हो जाते हैं तो वह अर्चो फिर आइसक्रीम खाने से गर्म भी हो जाते होंगे। चलो अब तो मैं आइसक्रीम लेके ही ओयो जाऊंगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि कालीन भैया को भी एक बार आइसक्रीम खा के करना चाहिए, कम से कम वो गर्म करके तो नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं है, बात निकल गई है। एक सिगरेट पी के आगे गले लगेगा चाचा। वो बड़ी वाले चाचा, ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने दोस्तों का सिगरेट का लत छुड़वाते नहीं बल्कि छुड़वाने के बाद फिर से लगवा देते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने दोस्तों का साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसकी गांड नहीं पड़ जाती। दिस इज नॉट सर, मेरी बात मेरी सर, मैं कुछ तेरी नॉमिनेशन से आज तक ना कभी फटी है ना कभी फटेगी। मेरा नाम साजिद खान है सर। हाँ, अगर इसका नाम साजिद खान है तो इसकी फटेगी नहीं। भाई साहब, इसके ऊपर तो एक मूवी बननी चाहिए, जस्ट लाइक पुष्पा। अब पुष्पा का फेमस डायलॉग था पुष्पा पुष्पा राजन मैं झुकेगा नहीं साला, पर इनकी मूवी का फेमस डायलॉग होगा साजिद खान साजिद वाजिद खान मेरा फटेगा नहीं साला। अबे साजिद भाई, बी ए मैच्योर, जाओ मूवी वूवी बनाओ, कहाँ बिग बॉस में आके अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। 8:30 बजे, दोपहर 4:15 बजे, वो कईयों का साइज, इट्स अ कंपटीशन। कैसे हो सकता है कि 14 दिन से ये बच्चा क्यूट लगते जा रहा है? अबे मगरमच्छ के छठे चिकलांडोस, बच्चा बच्चा बोल के बेचारे बच्चे की माँ बहन कर दिया है तुम लोगों ने। सबसे पहली बात, ना वो बच्चा है और ना ही वो क्यूट है। पता नहीं लोगों को वो क्यूट क्यों लगता है। अगर मौका मिला ना तो वो अपने अंगूठे के साथ साथ अपनी ऐसी चीज भी चुसवा देगा जिसकी तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखो गाइस, बिग बॉस इस दुनिया का वो शो है जिसका वीडियो देखने में उतना ही मजा आता है जितना कि पोर्न की रियलिटी शो देखने में मजा आता है। अब इंडिया में तो वैसे भी पोर्न बैन है, बट मैं वो मजा बिग बॉस देख के ले लेता हूँ। बाकी भाई मैं तो कहूंगा बिग बॉस को अपने रिस्क पे ही देखना, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी केसेस मिले हैं कि इसके वजह से सिर्फ हार्ट अटैक नहीं बल्कि अटैक भी आता है। तो गाइस बी केयरफुल। बाकी मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जो आई थिंक इस वीडियो से भी ज्यादा फनी है। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो हां, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग, बाय।